नमस्कार दोस्तों, माइक्रो व्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, तो आज हम बर्डी पाड़ आए हैं दामनदोरी यहमोगी माता का दर्शन करने। और आपको पता है आज गुड़ी पाड़वा है और गुड़ी पाड़वा पर हम यहाँ यहमोगी माता मंदिर के पास आए हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। अभी हम नीचे हैं फिलहाल, अभी हम ऊपर जाएंगे वहाँ पर मंदिर के पास और वहाँ पर दर्शन करेंगे और आगे का जो नज़ारा है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, तो हमने बाइक पार्क कर दी है और थोड़े आगे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ दिख रही है। इस सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे मंदिर की तरफ और आगे का जो नज़ारा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि पहले भी हमने यहाँ का व्लॉग शेयर करा है आपके साथ, जो कि हमने बारिश के मौसम में आया था। ठीक है, जो कि यहाँ से हम उस साइड में गए थे जहाँ हेला दाबू कहते हैं, वो व्लॉग है। और यहाँ का मुझे लगता है मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो काफ़ी खूबसूरत व्लॉग होने वाला है, वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का किस तरह से नज़ारा है। ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत ही धूप लग रही है, धूप में सारे पत्ते गिर चुके हैं, देख सकते हैं पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं हैं। ठीक है, तो इतनी हरियाली अभी नहीं दिख रही है, तो कुछ बात नहीं, हम यहाँ पर बारिश के मौसम में आएंगे ना तो काफ़ी अच्छा व्लॉग आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। ठीक है, रमन रा आज उराड़ा में जाएंगे ना, ठीक है। इस तो हम अभी बीच रास्ते तक पहुंच चुके हैं और यहां पर देख सकते हैं ये जो छोटा कच्चा रास्ता दिख रहा है, यहां से भी मंदिर की तरफ बस जा सकते हैं। यहां पर सप्तशृंगी आईचा गढ़ है तिथे, ठीक है, मग तिथे पण जाऊ शकता, म्हणजे वहां पर जाने के लिए यही कच्चा रास्ता है, यहां से आप जा सकते हैं। तो आगे चल के दिखाते हैं हम आपको। गाइस, तो अभी आप देख रहे हैं एक एक ही साइट पर ये मंदिर है। ठीक है, ये जगह बहुत ही कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम यहमोगी माता मंदिर के पास जाते हैं तो बीच रास्ते से एक कच्चा रास्ता आता है, जो कि यहाँ से आप देख रहे हैं ये रास्ता आता है। इस रास्ते से यहाँ पर ये जो मंदिर है यहाँ पर आप आ सकते हैं और ये बहुत ही कम लोगों को पता है और मुझे भी नहीं पता था, बट यहाँ पर रमन भाई को पता था, वो मुझे लेके आया तो हम यहाँ पर आए हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है। तो अभी हम यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं और बाद में हम यहमोगी माता मंदिर के पास जाके दर्शन करेंगे। ठीक है, अगला व्लॉग किस को रहेगा? अगला यदि हम है ना मांगे सुंगी गढ़ में जाए तो खूब मजा आएगा बाबा, एक मोटा बिसलेरी बाटल लिचड़ा पड़े तो मोटो तो डबल ही लहु ना पा, तो 20 रुपये हम आंती वाली बाटल ले नहीं जाओ तो नहीं फूके बा, अरे तो नहीं रहा हो तो मोटो मोट बाटल है तो खांदा हो लिन दिन होगा मजा ही ना मजा ही बाबा चोरी तान दूसरे रात हुई रहा तब बनी गई हो भी रहा इस पेन हो भी रहा कह हो भी रहा अमी ओल ओल हाथ चढ़ता ओला था कि गए हाँ तात है गाइस। तो हम धीरे धीरे मंदिर के पास आ चुके हैं, अभी आप देख रहे हैं थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर यहमोगी माता का मंदिर दिख रहा है, वहाँ पर हम जाके दर्शन करने वाले हैं।
तो चलिए। सो गाइस, तो हम यहाँ पर मंदिर के पास आ चुके हैं। गाइस देख सकते हैं, यहाँ मोगी माता का मंदिर है। यहाँ पर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बड़ीपाड़ा गांव में। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस भी आपके साथ शेयर करी हैं, आप वो रास्ता देखकर यहां पर आ सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं ये मंदिर है और यहां पर आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। हम भी यहां पर दर्शन के लिए ही आए हैं। अभी थोड़ी देर में अंदर जाके हम दर्शन करेंगे और बाद में हम जल्दी से जल्दी घर जाएंगे। ठीक है, तो ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम जल्दी जल्दी यहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। हे गाइस, तो आपने देखा हमने यहाँ पर यहाँ मोगी माता मंदिर में जाके दर्शन कर लिया। वैसे आप भी करने के लिए आ सकते हैं। गाइस, तो ये पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आप डेली देखना चाहते हैं हमारी नई नई व्लॉग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसी ही खास व्लॉग के साथ फिर से मिलने वाले हैं। जय हिंद।